तो शुरू से ही शुरू करते हैं। बात है आज देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर में छपे हुए संपादकीय पेज के एक लेख की। ये लेख बहुत चर्चित और बहुत ज़्यादा बार बार छपने वाले एक लेखक वेद प्रताप वैदिक जी ने लिखा है और आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा। जो भी हमारे मित्र जुड़े हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, तो कोई एक व्यक्ति मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दे कि आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही है। तो मैंने ये कहा कि बात शुरू से ही शुरू करते हैं और दक्षिण जो विचार का क्षेत्र है, जिसको दक्षिण पंथ कहते हैं, वहाँ से उस धारा का एक लेखक है वेद प्रताप वैदिक, और उन्होंने एक लेख लिखा है जिस लेख का शीर्षक है जनगणना में जाति नहीं जरूरत पूछी जाए तभी पिछड़ों का हित होगा। टाइटल मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेखक का नाम वेद प्रताप वैदिक, अखबार का नाम दैनिक भास्कर। आज भारत में ज़्यादातर राज्यों में इसको संपादकीय पेज पर इस लेख को पढ़ा गया होगा, क्योंकि दैनिक भास्कर का ये दावा है और एक हद तक ये सच भी है कि वो देश का सबसे बड़ा अखबार है। 43 लाख कॉपी छपती हैं उस अखबार की, और अखबार का क्लेम है, और IRS का सर्वे भी बताता है कि 6 करोड़ के आसपास लोग उसको हर दिन पढ़ते हैं। और संपादकीय पेज पर है तो हर जगह ये पन्ना छपता है, ये ऐसा नहीं है कि एक जगह छपेगा और दूसरी जगह नहीं छपेगा। तो शीर्षक जो है उस लेख का वो है जनगणना में जाति नहीं जरूरत पूछी जाए तभी पिछड़ों का हित होगा। पहली नज़र में ये लगता है कि लेखक पिछड़ों का हित चाहता है और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस तरह से पिछड़ों का भला होगा। अब मैं इस लेख के एक एक तरह से, जैसे आर्कियोलॉजी में होती है ना कि जैसे एक कोई कुछ मिला, उसमें से थोड़ी सी रेत हटाते हैं, फिर नीचे कुछ मिलता है, फिर कुछ हटाते हैं, फिर कुछ एक मिलता है। जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप मिला था, जिसको कि वहाँ के लोग बच्चे खेलते थे, तो वहाँ से ईंटें मिलने लगी, फिर ईंट के बाद कुछ मूर्तियाँ मिलने लगी, तो लोगों ने और खोदना शुरू किया बौद्ध स्तूप को, तो कुछ बौद्ध प्रतीक मिले, फिर नीचे खोदते चले गए तो बिल्डिंग्स मिली, फिर एक लेयर हटाया तो स्नानागार आया, फिर नीचे और हटाया तो अनाज रखने का गोदाम मिला जहाँ पुराने गेहूं के दाने मिले। मतलब ये इस तरह से जो आर्कियोलॉजी के तौर से एक एक लेयर आप हटाते चलते हैं, नीचे आपका आपकी दुनिया खुलती चली जाती है, जिस तरह से आपका मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी या इवन धोलावीरा की खुदाई हुई थी, कि स्तूप जैसा कुछ मिलता है और उसके नीचे आप खोजते हैं तो आपको सभ्यता मिलती है। खैर, तो इस आर्टिकल को हम उसी मेथडोलॉजी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका टाइटल मैंने आपको बताया, टाइटल जो है वो कि पिछड़ों का हित कैसे होगा, इसके बारे में वेद प्रताप वैदिक एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये तरीका है, ये करने से पिछड़ों का भला होगा। फाइन, तो ये जो पूरा लेख है इसमें मैं जो एक और मेथड अपना रहा हूँ कि जो उनका विचार पक्ष है इस लेख में, जो उनकी ओपिनियन है, जो राय है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं बात नहीं करूँगा कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वेद प्रताप वैदिक एक लेखक हैं और लेखक के नाते उनको ये ओपिनियन रखने का अधिकार है कि जाति की जनगणना हो या ना हो, आरक्षण हो या ना हो, ऐसा ओपिनियन रखने का उनको पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर उन ओपिनियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना उसका काउंटर ओपिनियन दे रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि जाति जनगणना पर मेरी क्या राय है वो आप जानते हैं, वेद प्रताप वैदिक की क्या राय है वो आप जानते हैं, वो खिलाफ हैं। फाइन, यहाँ तक मुझे कोई एतराज़ नहीं, यहाँ तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समस्या ये है कि इस बात को साबित करने के लिए वेद प्रताप वैदिक जो तरीका अपनाते हैं वो निहायत मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी भरा और एक एब्सर्डिटी की हद तक जाता हुआ उनका उनकी तर्क पद्धति है। यहाँ पर ज़्यादा समस्या खड़ी होती है, क्योंकि भारत में अखबारों में छपे हुए शब्द को सत्य मान लेने की एक परंपरा है, बल्कि छपे हुए शब्द को मां सत्य मान लेने की बहुत परंपरा है, तो लोग उसको एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेते हैं कि अखबार में छपा है जी,
झूठ कैसे हो सकता है, अखबार में छपा, ये देखो अखबार में छपा है, अखबार में छपा है ना, झूठ नहीं हो सकता है। तो अखबार में छप जो छप जाता है और बड़े अखबारों में छप जाता है उसको लोग सच मान लेते हैं। ये उसकी हम लोगों की ट्रेनिंग है बचपन से कि कोई चीज़ अगर डिस्प्यूटेड है, कंटेस्टेड है, कोई कंटेस्टेशन आ रहा है, कोई कोई कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है, कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू आ रहा है, देन वी जस्ट शो द न्यूज क्लिपिंग एंड प्रूव आवर पॉइंट। दिस इज आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, दिस इज हाउ आवर एपिस्टेमोलॉजी इज, दिस इज हाउ वी आर ट्रेन टू पुट फॉरवर्ड आवर आर्ग्यूमेंट, सो दिस इज हाउ वी आर। सो ये जो पूरा मामला है कि जो जनगणना का प्रश्न है इस पर उनकी अपनी एक राय है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रखा है इस पर मैं बात कर रहा हूँ और उनके इस लेख के साथ फैक्चुअल गलतियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप में से जिन लोगों ने देखा होगा, जिनके घर में दैनिक भास्कर आता है, वो निकाल लें, संपादकीय पन्ने पर ये लेख छपा हुआ है वेद प्रताप वैदिक का। वो कुछ बहुत बड़ा क्लेम भी करते हैं कि वो किसी पद पे हैं, वो संस्था उन्होंने खुद बनाई है जिसके वो अध्यक्ष हैं, ये उनका मतलब ये उनकी महानता है। पहली गलती जो वो फैक्चुअली गलती करते हैं। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता दूं कि वेद प्रताप वैदिक बहुत मैंवादी हैं, मतलब कि सारी चीज़ों के सेंटर में मैंने ये किया, मैंने ये करा दिया, मैंने पॉलिसी बदलवा दी, मैंने इस प्रधानमंत्री को ये बोल दिया, ये मैं जो है ये उनका उनका एक सेंट्रल थीम है उनके सारे लेख में अगर आप देखेंगे तो। इसमें भी जैसे वो कहते हैं कि जाति की जनगणना का प्रश्न इस समय हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने उठाया है, लेकिन 10 साल पहले जब जनगणना हो रही थी तब भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे थे, लेकिन हमने और मैंने उस समय एक मुहिम चलाई और जो 2011 से जाति जनगणना शुरू हुई थी उसको सोनिया गांधी से कह के मैंने रुकवा दिया। अब ये देखिए, ये इसका मैंवाद है, ये यहाँ पर उनका अहंकार देखिए कि मैंने सोनिया गांधी से कह के जाति जनगणना के आंकड़े रुकवा दिए। अब देखिए इसमें फैक्चुअल गलती क्या है, 2011 से भारत में कास्ट सेंसस एक शुरू हुआ, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, SECC 2011, आप लोग जनरल नॉलेज की किताब में पढ़ते होंगे, आप लोगों को जनरल नॉलेज की किताब से ये भी पता है कि वो जनगणना 2016 में ख़त्म हुई। 2016 में जो जनगणना खत्म हुई उसके बारे में वेद प्रताप वैदिक के क्लेम करते हैं कि हमने सोनिया गांधी से कह के इस जनगणना को रुकवा दिया। पहला तो आप अगर देख रहे हैं इस समय अखबार का पन्ना तो आप देख सकते हैं कि ये एक तो मेजर गलती उन्होंने, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई, सोनिया गांधी ने रोक दिया जी मेरे कहने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि जब ये जनगणना वगैरह हो रही थी तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो जाति जनगणना के खिलाफ थे और वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी जाति जनगणना के आंकड़े आने रुकवा दिए। अब या तो सोनिया गांधी ने रुकवा दिया या नरेंद्र मोदी ने रुकवा दिया, जाहिर है कि यहाँ पर वो फिर गड़बड़ी कर रहे हैं। 2016 में जो आंकड़े रोके गए, जाहिर है कि वो काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, सोनिया गांधी इस काम को नहीं करने की स्थिति में नहीं थी, वो पोजीशन ही नहीं थी, मतलब विपक्ष और सोनिया गांधी की जो अभी स्थिति है उसमें वो कोई फैसला करवा दे इस सरकार से, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तो बड़ी गलती ये है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट और करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो संभव है वो इसको एक बार शेयर कर लें, अगर आपके लिए आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आपके दोस्तों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। मेरा ये मतलब मेरी तर्क पद्धति ये कहती है कि अगर आप इतना समय लगाकर इसको सुन रहे हैं इस समय जबकि आप एंटरटेनमेंट कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, तो जाहिर है कि आपके मित्रों के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा, तभी आप इतना कीमती समय लगा रहे हैं। यहाँ के बाद से वो सोनिया गांधी को मैंने बोल दिया, नरेंद्र मोदी को कह के हमने रुकवा दिया जाति जनगणना के आंकड़े। अब आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, अब वो बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने जाति जनगणना शुरू कराई थी, क्यों? क्योंकि 1857 हो गया था और इससे वो डरे हुए थे, बड़ी एकता बन गई थी भारतीय समाज में और इसकी वजह से 1861 में उन्होंने जाति जनगणना करवा दी। अब बताइए कि 12वीं पास जो इवन आर्ट स्ट्रीम से जो मतलब पॉलिटिकल साइंस वगैरह जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है उनको ये तो पता ही होगा कि भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में जाके पूरी होती है। अब ये विद्वान है, जान पहचान है, अब लेख छपवाने की इनमें क्षमता है, तो ये इनके हिसाब से 1861 में पहली जनगणना हो गई। तो ये फैक्चुअली बड़ी गलती उन्होंने यहाँ पर की है। जो पहली जनगणना है आप जानते हैं और भारत की जनगणना के वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, उन्होंने फर्स्ट में ही हिस्ट्री ऑफ सेंसस
छाप रखा है और उसमें ये कहा गया है कि जो 1864-65 में शुरू हुई और 1872 में खत्म हुई है पहली जनगणना है जो बहुत लंबे समय तक चली थी। तो ये हिस्ट्री ऐसी नहीं है जो छुपी हुई है, लेकिन वेद प्रताप वैदिक को ऐसा लगता है कि वो हर विषय के ज्ञाता है। जैसे मैं आमतौर पर 3 या 4 सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं बहुत सारे विषय जिस पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं न्यूक्लियर साइंस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि उस बारे में मेरी गति नहीं है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर आमतौर पर नहीं बोलता हूँ, मैं आमतौर पर दो देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह पर नहीं बोलता हूँ, मैं आमतौर पर बहुत सारे विषय हैं जिस पर मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे 3 या 4 विषय पूरे जीवन में सैकड़ों किताबें पढ़कर मुझे लगता है ये 3-4 विषय हैं जिसमें हमारा थोड़ा सा अध्ययन है, तो थोड़ी बहुत बात मैं रख सकता हूँ। उसमें मैं बहुत हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है कि सत्य इसके परे भी है, हो सकता है कि सत्य इसके बियॉन्ड भी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक मेरा सच इतना सा है, इसके बियॉन्ड भी सच हो सकता है। लेकिन वेद प्रताप वैदिक ज्ञान तो वहीं से निकला हुआ है, सारे मतलब ज्ञान के स्रोत हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हिसाब से 1861 में हो गई और भास्कर ने छाप दिया। मतलब यहाँ पर मेरे पास एक और सवाल है, इस तरह की गलतियाँ करने के लिए जब के साथ एक जब कॉपी आई होगी जो भास्कर के संपादकीय डेस्क पर, वहाँ किसने इसको पास किया होगा, उसके ज्ञान क्या क्या स्तर है, वो एक बड़े अखबार के संपादकीय पेज पर बैठने के काबिल क्यों है अगर वो ऐसी गलतियाँ नहीं पकड़ सकता है। या फिर ऐसा होगा कि वेद प्रताप वैदिक मालिक के परिचित हैं, उनका लेख है, जैसा है वैसा छापना पड़ेगा, दोनों स्थितियाँ हो सकती है। इसलिए मैं जरूरी नहीं है कि इसमें पत्रकार का दोष है, लेकिन पत्रकार को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर देख लीजिए हमें लग रहा है कि आप ये गलती कर रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि एक ही जनगणना को सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ने रोका, ये मतलब कैसी बात आप कर रहे हैं, मतलब दोनों में से एक ही तो रोक सकता है, किसी एक कालखंड में एक घटना हुई है उसको दो व्यक्ति मतलब कैसे कर सकता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, जनगणना का वर्ष वगैरह ये सब तो कोई भी चेक कर सकता है, पता नहीं। एनीवेज उन्होंने तो ये कह दिया। अब उन्होंने आगे लिखा, आगे की लाइन पढ़िए अगर आपके सामने अखबार खुला हुआ है तो, कि 1831 की जनगणना के आधार पर हंटर रिपोर्ट आई और इसके आधार पर 1905 में बंग भंग हो गया। अब इस एक सेंटेंस को आप फिर से सुनिए, 1871 की जनगणना के आधार पर हंटर रिपोर्ट आई और उसके आधार पर 1905 में बंग भंग हो गया। अब ये सेंटेंस आपको क्या क्या बोलता है कि 1871 में एक जनगणना हुई, उसके आधार पर एक हंटर रिपोर्ट आई और 1905 में घटना हो गया। अब इस देखिए इसमें क्या क्या गलतियां हैं। हंटर रिपोर्ट जो है वो आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग और बाकी लोग आपको बता देंगे कि ये एजुकेशन के रिफॉर्म या एजुकेशन का जो मॉडल है ये कैसा होगा इसके बारे में रिपोर्ट है, इसका जनगणना से भी कोई लेना देना नहीं, इसका बंग भंग से भी कोई लेना देना नहीं, बहुत अलग तरह की ये रिपोर्ट है। तो ये एजुकेशन का मॉडल क्या होगा भारत में इसके बारे में रिपोर्ट है। तो हंटर रिपोर्ट को इन्होंने बंग भंग और जनगणना दोनों से जोड़ दिया, क्योंकि वेद प्रताप वैदिक है, कुछ भी लिख देंगे, मतलब जो मन में आया लिख देंगे और वो छप जाएगा, क्योंकि मतलब पता नहीं क्या क्या गुण उसमें देखते हैं लोग, तो ये छप गया। अब ये मतलब आप सोचिए कि अगर कोई विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में ये लिखे बंग भंग के कारण क्या है, कोई अगर क्वेश्चन आए और ये लिखे कि हंटर रिपोर्ट की वजह से भारत बंग भंग हो गया, तो बच्चा फेल होगा कि नहीं होगा? इतिहास का कौन सा टीचर उस स्टूडेंट को पास कर देगा जो ये लिखेगा कि बंग भंग 1871 की जनगणना की वजह से हुआ और हंटर रिपोर्ट की वजह से हुआ? इसको लिखकर कोई पास हो सकता है क्या परीक्षा में, बताइए? आप में से कई सारे लोग अभी इस समय लगभग 300-350 लोग देख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट या हिस्ट्री के टीचर रहे होंगे, आप बताइए कि मतलब हिस्ट्री की किस किताब में ये सब लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही अजीब किस्म का मतलब वो लेखन है, इतना छोटा सा और इसमें कम से कम गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, मतलब हर दूसरे लाइन में गलती है, और यह इनके हर लेख में होता है। मतलब ये एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि मेरे डोमेन के आसपास भी हैं और इस बारे में मेरी किताब भी है और मैंने इसको पढ़ा भी है कम से कम 10 वर्ष से, मैं उस एक विषय पर काम कर रहा हूँ। अगला पैराग्राफ, 1931 में जाति जनगणना होती है और उन्हीं 90 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की गाड़ी चल रही है। फाइन, यहाँ तक तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि 1931 में जाति जनगणना हुई और 90 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की गाड़ी चल रही है। आपको पसंद नहीं आ रहा है कि क्यों 90 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर चल रहा है, तो नए आंकड़े कैसे आएंगे साहब? नए आंकड़ों के लिए तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी, नहीं तो आपको 1931 के आधार पर बनाना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 340 है, आर्टिकल आपको 16(4) है, रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब कैसे आप सॉल्व करेंगे अगर आपके पास जाति का कोई आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, और आप क्योंकि नई जनगणना नहीं कराना चाहते हैं तो आप जाहिर है कि 1931 के आधार पर कराएंगे। तो ये यहाँ पर एक अंतर्विरोधी स्थिति है, वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं
लेकिन ये कह रहे हैं कि 90 साल पुराने आंकड़ों से आरक्षण की गाड़ी चल रही है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल फेयर एनफ, यू हैव वैलिड पॉइंट, सो आर्ग्यू फॉर कास्ट सेंसस। हाउ वाई आर यू आर्ग्यूइंग अगेंस्ट कास्ट सेंसस इन दैट सिनेरियो, इफ दैट इज योर पॉइंट। एनीवेज, अगला पैराग्राफ बहुत दिलचस्प है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ठहरिए, अगर मतलब थोड़ा ठंडा दिमाग कीजिए और सुनिए अगला सेंटेंस। मैंने क्या कहा पहला सेंटेंस, 1931 में जाति जनगणना हुई, 90 साल पुराने आंकड़ों से आरक्षण की गाड़ी चल रही है, ऐसा कब तक चलेगा? अगला सेंटेंस, गांधी और कांग्रेस के विरोध के कारण 1931 में जाति जनगणना नहीं हुई। मतलब आप ये बात बोल सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति क्या ये सेंटेंस बोल सकता है कि 1931 में जाति जनगणना हुई, 90 साल पुराने आंकड़ों से आरक्षण की गाड़ी चल रही है, ऐसा कब तक चलेगा? गांधी और कांग्रेस के विरोध के कारण 1931 में जाति जनगणना नहीं हुई, और ये कहकर वो आदमी भारत के सबसे बड़े अखबार में लिख कर निकल जाता है। मतलब ये तो, मतलब अगर कोई स्टूडेंट इससे जनरल नॉलेज सीखेगा तो वो गारंटेड फेल होगा, उसको उसकी दुनिया की कोई ताकत उसको पास नहीं करा सकती जनरल नॉलेज का एग्जाम, जनरल नॉलेज से ही बिगाड़ ही देगा आदमी। फाइन, अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। संविधान के मुताबिक 50% से ज्यादा जन्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। अब इस सेंटेंस पर आप गौर कीजिए, संविधान के मुताबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% से ज्यादा जन्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ये एक सेंटेंस बहुत तरह से गलत है, क्योंकि एक तो संविधान में, आप में से ज्यादातर लोगों ने संविधान को कम से कम एक बार तो पढ़ा ही होगा, संविधान में कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है, कोई अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र है कि आरक्षण कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 22%, 18%, 27%, 50%, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं, दो चीज़ों का जिक्र नहीं है। जो नौकरी और शिक्षा का आरक्षण है वो कितने समय के लिए जारी रहेगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है, और कितना होना चाहिए इसका संविधान में कम से कम कोई जिक्र नहीं है। स्पष्ट रूप से आप जानते हैं, मतलब ये ऐसी बात नहीं है, और ये बात लेकिन इस आदमी को नहीं मालूम, वेद प्रताप वैदिक को नहीं मालूम कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मतलब बोल गया, लिख गया, मतलब जो मन में आया, मतलब जो मन में आया लिख दिया। मतलब अजीब किस्म का एक पागलपन, एक मतलब उन्माद है कि मुझे लिखना है, हर विषय पे लिखना है, जो मन में आया वो लिखना है। अब वो लिख के, अब फैक्चुअली गलत है कि पहला तो कि संविधान में नहीं है, दूसरा 50% का कोई कैप उस तरह से नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, मतलब इस समय जितने लोग सुन रहे हैं उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस तथ्य को नहीं जानता है कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। अगर हमारे इस बात को सुनने वाले हर आदमी को पता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वेद प्रताप वैदिक को नहीं पता? या तो वो नशे में रहे होंगे, भाई गांजा खा के लिख दिए होंगे, दारू पी के लिख दिए होंगे, नींद में लिख दिए होंगे, कोई समस्या हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या समस्या है। लेकिन जो जो एक 10वीं 12वीं का हर विद्यार्थी जानता है कि तमिलनाडु का आरक्षण है, एक खास प्रोविजन था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और वहाँ पर 69% रिजर्वेशन है, या इवन वो नहीं भी जानता है, ये तो जानता ही है कि EWS रिजर्वेशन के बाद केंद्र सरकार के रिजर्वेशन का टोटल क्वांटम 59.5% हो चुका है, 59.5%। ये लिख रहे हैं कि संविधान के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, भाई वो भी तो जाति आधारित आरक्षण है ना, SC ST OBC उसमें शामिल नहीं, तो ऑब्वियसली वो भी जन्म आधारित है। ये बात जो इस समय आप अपने घर में मौजूद 12 साल के 13 साल के एक बच्चे से पूछ लीजिए जिसका थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज ठीक है, तो बता देगा कि EWS का आरक्षण आया था और इसकी वजह से टोटल आरक्षण इतना हो गया है। ये बात वैदिक को नहीं पता है, दैनिक भास्कर में उस आदमी को नहीं पता है जो इसको छाप रहा है, दैनिक भास्कर के उस संपादक को नहीं पता है जो इस पेज को अप्रूव कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं इस समय किस तरह के हम किस तरह के दौर में हैं, और इन अखबारों की पहुँच देखिए, ताकत देखिए, ये हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है, भारत का सबसे बड़ा अखबार है, 6 करोड़ इसके हर दिन इसको पढ़ा जाता है, इसकी वेबसाइट सबसे पावरफुल वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा जिन वेबसाइट्स को देखा जाता है, मतलब कितना कितनी रीच है, कितनी पहुंच है, इतनी पहुंच तक वो करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए कितने लोगों तक पहुंचा लेंगे? भाई ये वीडियो आदर्श स्थितियों में 20 से 30 हज़ार लोग तक देखा जाएगा, अगर 2-3 दिन बाद देखेंगे, और इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल उठा लेंगे तो वहाँ से 5 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा मैक्सिमम, मतलब आज से एक हफ्ते बाद अगर हम इसका आंकड़ा जुटाएंगे तो। लेकिन जहाँ कहाँ 5 लाख और कहाँ 6 करोड़, आप समझिए कि उनकी पहुँच और उनकी ताकत देखिए, झूठ झूठ की ताकत देखिए, ये बहुत
बड़ा दायरा है, मतलब आप सब लोग इसको शेयर कर दें, आगे भी इसको शेयर हो जाए, जैसे पिछला वीडियो 4,500 लोगों ने शेयर किया था, तो इस तरह का अगर हो जाएगा तो हो सकता है कि वो 5-7 लाख लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन उनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है, और ये कितना कितना जगह वो पहुंचेगा जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो अब ये है, आगे देखिए, एक तो 50% आरक्षण वाली संविधान में के मुताबिक लिख रहे हैं। अगला, आरक्षण से क्या फर्क पड़ जाएगा, 500-700 नौकरियों का ही तो फर्क पड़ेगा। 500-700 नौकरियां इस देश में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जहां आरक्षण लागू है, कुल नौकरियों की संख्या 1,78,00,000 है। 1% के हेर फेर से लाखों नौकरियां इधर सुधर हो जाती है। जब 1% आरक्षण बढ़ या घट जाता है तो लाखों नौकरियां इधर सुधर होती है। 500-700 नौकरियों का मामला नहीं है। 500-700 नौकरियों का मामला होता तो सवर्णों के बच्चे आत्मदाह नहीं कर रहे होते इस सवाल पे, और वो सड़क पर जो झाड़ू लगाते हैं और नाटक करते हैं ना, वो अगर सिर्फ 500-700 नौकरियों का आरक्षण में अगर मामला होता। आरक्षण की ताकत देखिए ना, पूरा शेड्यूल्ड कास्ट का पूरा मिडिल क्लास इस समय जो आपको दिख रहा है वो पूरा रिजर्वेशन से आया है, मतलब लाखों नौकरियों का मामला है। 500-700 नौकरी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं वेद प्रताप वैदिक, 500-700 नौकरियों का मामला है। फिर आगे लिख रहे हैं, कुछ हजार लोगों को जाति के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। पहला तो जाति के आधार पर नहीं मिलेगी, उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसके मतलब कारण है। और दूसरा, कुछ हजार, ये पहले लिख रहे हैं 500-700 लोग, दूसरे सेंटेंस में लिख रहे हैं कुछ हजार लोगों को, तो मतलब एक फ्रॉड ये यहाँ पर फिर कर रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ, एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, भारत को अगर महाशक्तिशाली बनना है तो जातीय आधार पर नौकरियों में आरक्षण खत्म होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाई साहब ने शुरू कहाँ से किया, जनगणना में जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए, और पिछड़ों का हित किस में है, और कंक्लूड क्या करते हैं, अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि ये आदमी कितना फ्रॉड है, कितना कितना इसके अंदर अंतर्द्वंद है, कितना गलत तथ्यों के आधार पर अपनी बात को रख रहा है, और इस तरह से अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाकर ओपिनियन बना रहा है। चूंकि मैं इस बात को आज एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जाति जनगणना के खिलाफ लेखों की अब श्रृंखला शुरू हुई है। ये हो सकता है कि पहला, दूसरा या तीसरा लेख हो, ऐसे कम से कम 100 के आसपास लेख आपके सर पर पटके जाएंगे अगले 2 महीने के अंदर में, कम से कम। आप समझिए, अंदाजा मैं मोटे तौर पर लगा रहा हूँ, ये 100 से 200 के बीच लेख आपको जाति जनगणना के खिलाफ आपको पढ़ने होंगे। 1 या 2 लेख कोई सी वेबसाइट में जाति जनगणना के पक्ष में आएगा। तो ओपिनियन इस तरह से बनता है, जिन जिनकी पहुंच करोड़ों तक है वहां सिर्फ जाति जनगणना के खिलाफ खिलाफ लेख छपेंगे, और जहां पर आप थोड़ा बहुत वेबसाइट, कुछ बहुजन चैनल्स वगैरह में जाति जनगणना के पक्ष में छोटी मोटी बातचीत होगी। कितनी असमान लड़ाई है, मतलब समझिए कि मतलब पूरा डिबेट का जो वजन है और उसकी जो ताकत है लोगों तक पहुँचने की, इसमें कितना फर्क है। तो ये मोटे तौर पर मेरा कहना था कि ये जो वैदिकी ज्ञान है, इसकी आप इसकी मीमांसा आप कर सकते हैं, खुद भी इनमें से ज़्यादातर जानकारियाँ आप भारत सरकार की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जो इन्होंने फ्रॉड सब लिख रखा है ना, ये कोई मतलब इसमें से मेरे मतलब कम से कम मैं बहुत गारंटी ले रहा हूँ कि मेरे कोई मन की बात नहीं, इसमें सारी बातें ऐसी हैं जिसमें से हर बात के तथ्य में, हर सेंटेंस के लिए मैं आपको ऑथेंटिक रेफरेंस दे सकता हूँ कि इस किताब के इस पन्ने पर, इस संविधान के इस क्लॉज में, इस अखबार के इस पन्ने पर, और इस तरह से कहाँ से कहाँ कैसे कैसे हुआ, ये सारे रेफरेंसेज मैं आपको दे सकता हूँ। बहरहाल मेरा आखिरी निवेदन है कि इस समय भी जो 300 लोग से ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, वो कृपया इस वीडियो को अगर उपयोगी मानते हैं तो कृपया शेयर कर दें, और उपयोगी नहीं मानते हैं तो कृपया नीचे कुछ गाली गलौज भी लिखना चाहें तो लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया मतलब उससे बहुत बड़ी है, आपकी गालियों वगैरह से बहुत बियॉन्ड की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।